गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चार शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए चार शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों के पास से ट्यूबवेल की 6 मोटर, 3 झटका मशीन, 1 तमंचा, कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, तांबे का विद्युत तार और चोरी करने के उपकरण बरामद किए हैं। शातिर चोरों पर चोरी आर्म्स एक्ट और विद्युत अधिनियम के करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गढ़ कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। हापुड़ हलचल, संवाददाता मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज आपके दो आरोपी पकड़े गए हैं, कुछ क्या है मामला सारा? देखिए, थाना क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अंतर्गत बीते 2 दिनों में ट्यूबवेल से मोटर चोरी की कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्काल 2 टीमों का गठन किया गया और फिर सर्विलांस और मुखबिरों की सूचना पर लगातार दबिश दी गई और सुराग रसी पता रसी की गई। उसी के बिना पे कल रात्रि थाना गढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं दिनेश, रहीस, असगर और योगेंद्र। इनमें दिनेश जो है ये मुरादाबाद का है और बाकी 3 जो हैं ये अमरोहा के ही विभिन्न थानों के गजरौला हसनपुर के रहने वाले हैं और इनका इनमें से कुछ का विस्तृत आपराधिक इतिहास भी है, जिसके बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं। और इनकी निशानदेही पे बड़ी बरामदगी हुई है, जिनमें 3 झटका मशीन है और विद्युत केबल है और कॉपर की वाइंडिंग्स बरामद हुई हैं और इनके उपकरण रिंच, पाना आदि भी बरामद हुए हैं और 6 अदद चोरी की मोटर, जिनमें से 3-4 तो हमारे ही थाने से कनेक्ट हुई हैं, वो बरामद हुई हैं और 1 अदद तमंचा में जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और इनके पास से 1 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी हमें बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और गहनता से इनसे पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कोई और भी साथी इनके सर संलिप्त हैं? इनके साथी देखिए, इन्होंने इनमें से 1 कबाड़ी भी है और इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। इनमें से 1-2 लोग पहले जेल भी गए हुए हैं और हम इनके CDR वगैरह छानकर अगर इनके कोई भी साथी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको भी पता करके उसको भी उसके अंजाम तक पहुँचाएंगे।